अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम प्ले पढ़ने जा रहे हैं वो प्ले है वेटिंग फॉर गॉडोट, जिसको सैमुअल बेकेट ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है ये लिटरेचर के अंदर। इस प्ले को हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सारा देखिएगा, ताकि आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग इन डिटेल इस प्ले को डिस्कस करेंगे, तो सारी की सारी इस प्ले के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे राइटर के इंट्रोडक्शन को, फिर हम बात करेंगे करेक्टर्स लिस्ट की, फिर हम समरी की तरफ आएंगे जिसको हम कोटेशन के साथ डिस्कस करेंगे, फिर हम थीम्स को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, और थोड़ा सा हमारा एंड पे क्विज होगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग राइटर की, सैमुअल बेकेट, जो कि 13 अप्रैल 1906 में पैदा हुए और इनकी डेथ हुई थी 22 दिसंबर 1989 में। ये एक आयरिश नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं, थिएटर डायरेक्टर भी रहे हैं, पोइट भी रहे हैं और एक लिटरेरी ट्रांसलेटर भी रहे हैं। ज़्यादातर टाइम इन्होंने अपना पेरिस में गुजारा और इन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ करके अपने वर्क्स को प्रोड्यूस किया। इनका जो वर्क है वो ज़्यादातर ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है। इन्होंने जो टेक्निक यूज़ की है वो ब्लीक ट्रेजाइक कॉमिक इफेक्ट और ब्लैक कॉमेडी, गैलोज ह्यूमर, इन्होंने ये सब कुछ यूज़ किया है। और ये सब कुछ यूज़ करके इन्होंने जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, जो उसकी नथिंगनेस है, मीनिंगलेसनेस है, उसको डिस्कस किया अपनी राइटिंग के अंदर। और इसके अलावा ही इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द लास्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स एंड वन ऑफ द की फिगर्स इन व्हाट मार्टिन एस्लिन कॉल्ड द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। थिएटर ऑफ द अब्सर्ड है जो कि मार्टिन एस्लिन ने लिखा है। इसके अंदर इन्होंने जो सैमुअल बेकेट है उनको की फिगर कंसीडर किया है अपने वेटिंग फॉर गॉडो की बेस पे। जो सैमुअल बेकेट है वो अब्सर्डिज्म की बात करते हैं, थिएटर ऑफ अब्सर्ड है वो अब्सर्ड पे बेस करता है। अब मैंने एक नाम ले लिया जी अब्सर्डिज्म का, तो अब मुझ पे बताना लाजिम हो गया कि अब्सर्डिज्म है क्या। अब्सर्डिज्म वो चीज़ है, वो फिलोसफी है जो कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर मीनिंगलेसनेस को रिप्रेजेंट करे, जो बताए कि ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है उसके अंदर नथिंगनेसनेस है। ना सिर्फ नथिंगलेसनेस है, साथ ही साथ क्या है, एक करेक्टर है उसका बिजार बिहेवियर है, ठीक है, रेडिकुलस बिहेवियर है उसका। उसको यही क्लियर नहीं है कि उसका लाइफ में पर्पस क्या है। तो ह्यूमन बीइंग जो है ना वो मीनिंगलेसनेस जो है ना उसके साथ लाइफ गुजार रहे हैं, पर्पसलेस लाइफ गुजार रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो फिलॉसफी है अब्सर्डिज्म की, ये बताती है टू फाइंड मीनिंग इन मीनिंगलेस लाइफ एंड इट इज़ अ फ्यूटाइल एफर्ट, यानी कि मीनिंगलेस लाइफ के अंदर मीनिंग फाइंड करना ये एक बेकार कोशिश है। तो फिर ऐसा बिलीफ जो कि इस बात पे यकीन रखता हो कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक पर्पसलेस एग्जिस्टेंस गुजार रहे हैं, ठीक है, क्योटिक यूनिवर्स के अंदर रह रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या हो गया, अब्सर्डिज्म हो गया। ये जो राइटर है ये ज़्यादा फेमस अपने वर्क वेटिंग फॉर गॉडो की बेस पे हुए, जो कि 1953 में पब्लिश हुआ था। बेकेट को जो है ना नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के अंदर 1969 में। इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनके नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा इनके जो थीम्स हैं, द ह्यूमन कंडीशन, अब्सर्डिज्म, नाइलिज्म, फ्रेंडशिप, रिलीजन, इन्होंने इनको डिस्कस किया अपने थीम्स के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने जो प्ले है उस प्ले के करेक्टर्स की। इसमें हमारे पास 7 करेक्टर्स आ रहे हैं। पहले हम बात करते हैं एस्ट्रागोन की। एस्ट्रागोन कौन है, इसको गोगो कहा गया है, ठीक है। ये वोल्डेमॉर्ट का कंपेनियन है बहुत सालों से, जिसका ओवरली कंसर्न है अपने फिजिकल नीड्स के साथ। ये व्लादिमीर से इन्फीरियर दिखाया गया है। इसकी जो मेमोरी है क्रोनिकली वो पुअर है, क्रोनिकली पुअर है। ये सेकंड मेन करेक्टर है इस प्ले के अंदर। ये हम लोगों को बहुत वीक और हेल्पलेस नज़र आता है, और ये ऑलवेज जो है ना व्लादिमीर उसकी प्रोटेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। अब जो नेक्स्ट करेक्टर है वो है पोजो का। ये जो पोजो है ना एक ट्रैवलिंग मैन है, जिसने ना एलैबोरेटली ड्रेस किया हुआ है। जिस जगह व्लादिमीर और एस्ट्रागोन खड़े हुए हैं ना, उस जगह से इन्हें गुजरता है पोजो। और जब पोजो सेकंड एक्ट के अंदर आता है तो तब वो ब्लाइंड होता है और इसको याद नहीं होता कि व्लादिमीर और एस्ट्रागोन से मिला हुआ है पहले। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास आता है व्लादिमीर का। व्लादिमीर जो है ना ये करेक्टर के अंदर वन ऑफ द टू करेक्टर है। पहला मेन करेक्टर है हमारे पास एस्ट्रागोन का, दूसरा जो है ना वो व्लादिमीर का है। ये दो करेक्टर मेन है। एस्ट्रागोन जो है ना व्लादिमीर को डीडी कहता है, DIDI, और इसमें जो बॉय आएगा ना वो इसको मिस्टर अल्बर्ट कहता है।
और जो प्ले है उसके अंदर हम लोगों को ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर दिखाई देता है बाकियों के मुकाबले में। फिर नंबर फोर पे आता है लकी का कैरेक्टर जो कि स्लेव है, हु ओबेस पोजो एब्सोल्युटली। ये पोजो का बैग और स्टूल वगैरह पकड़ता है। जब एक्टर एक्ट वन में हमारे पास ये आता है ये इंटरटेन करता है बाय डांसिंग एंड थिंकिंग, लेकिन जब ये एक्ट टू में आता है तब ये एक डम्ब है। अब ये जो मैंने लिखा 5-6 बेसिकली एक ही बंदे को रेफर कर रहा है, बॉय मैसेंजर 1 एंड बॉय मैसेंजर 2। ये एक यंग बॉय है जो कि मिस्टर गोडो के लिए काम करता है, और एस्ट्रागोन और विलिजमिर के लिए ना ये मिस्टर गोडो की ना न्यूज़ लेके आता है, और वो न्यूज़ होती है गोडो विल नॉट बी कमिंग दैट नाइट। और सेकेंड एक्ट में जब ये आता है ये इंसिस्ट करता है दैट ही वॉज नॉट देयर द प्रीवियस नाइट। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास गोडो का। ये ऐसा मैन है जिसके लिए विलिजमिर और एस्ट्रागोन जो है ना एड मतलब बिल्कुल प्ले के एंड तक वेट कर रहे होते हैं, और जो गोडो है ना वो प्ले में अपेयर ही नहीं होता। इसका नेम और करेक्टर जो है ना ऑफन कहा जाता है कभी कभार कि ये गोड को रेफ़र कर रहा है। अच्छा एक बात और, एक ना इंटरव्यू हुआ था बैकेट का, उससे पूछा कि आपने ना वेटिंग फॉर गोडो लिखा उसके अंदर आपने गोडो का करेक्टर डिस्कस किया लेकिन वो करेक्टर अपेयर नहीं हुआ, हु इज़ गोडो? तो बैकेट ने कहा था तब कि अगर मुझे पता होता कि गोडो कौन है तो मैं उसको प्ले में ही बता देता कि गोडो कौन है। ठीक है, अब हमारे करेक्टर्स तो हो गए डिस्कस, हम बात करते हैं समरी की। समरी की बात करने से पहले हम लोग सिर्फ ड्रामेटिक डिवीजन की बात कर लेते हैं। वैसे तो जो ड्रामा है वो दो एक्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ नेचुरल डिवीजन्स और भी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्ट वन नीचे मैंने लिखा है विलिजमिर एंड एस्ट्रागोन अलोन, अराइवल ऑफ पोजो एंड लकी, लकी स्पीच, डिपार्चर ऑफ पोजो एंड लकी, विलिजमिर एंड एस्ट्रागोन अलोन, अराइवल ऑफ बॉय मैसेंजर, डिपार्चर ऑफ बॉय मैसेंजर, विलिजमिर एंड एस्ट्रागोन अलोन। नेक्स्ट आता है एक्ट टू, विलिजमिर एंड एस्ट्रागोन अलोन, अराइवल ऑफ पोजो एंड लकी, डिपार्चर ऑफ पोजो एंड लकी, विलिजमिर एंड एस्ट्रागोन अलोन, अराइवल ऑफ बॉय मैसेंजर, डिपार्चर ऑफ बॉय मैसेंजर, विलिजमिर एंड एस्ट्रागोन अलोन। ये पूरा जो है ना प्ले सेम चैप्टर्स के तकरीबन नेम रिपीट होंगे और सेम ही स्टोरी इसके अंदर रिपीट होती रहेगी बार बार अगेन एंड अगेन। कि जब चैप्टर की ओपनिंग होती है तो ओपनिंग सीन क्या है, बुक से टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कोट की हुई है। टेक्स्ट है सीन अ कंट्री रोड अ ट्री इवनिंग, एस्ट्रागोन सिटिंग ऑन अ लो माउंट इज ट्राइंग टू टेक ऑफ हिज बूट, ही पुल्स एट इट विद बोथ हैंड्स, पैंटिंग ही गिव्स अप, रेस्ट ट्राइज अगेन एज बिफोर। अब ये जो स्टार्टिंग दी गई है, सीन बताया गया है, हम देख सकते हैं इस सीन के अंदर हमारे पास जो लैंडस्केप है वो स्ट्रेंज है, एलियन है। ठीक है, एक कंट्री की बात कर दी गई है, एक लोनली रोड की बात कर दी गई है, तो एक कंट्री और एक लोनली रोड जो है वो मेन सेटिंग है इस प्ले की, और यहाँ पे एक सिंगल ट्री है, और इसके दूसरे साइड पे क्या है, एक गटर है, एक डिच है। क्योंकि जब प्ले स्टार्ट होता है तो एस्ट्रागोन बताता है विल्डमिर को कि वो लास्ट नाइट जो है ना वो डिच में सोया है, तो जो टोन है प्ले की वो क्या बताई जा रही है यहाँ पे, लोनलीनेस बताया गया है, यहाँ पे आइसोलेशन बताया गया है जो कि सेटिंग में नज़र आ रहा है। अब इस प्ले के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग पे दो डिजर्टेड फिगर्स आते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या पहना है, फटे हुए से कपड़े पहने हुए हैं, रैग्स एंड टैटर्ड क्लोथ। ठीक है, और अब जब प्ले ओपन होता है तो तब क्या होता है, एस्ट्रागोन जो है ना वो कोशिश कर रहा होता है अपने बूट को उतारने की। तो बेसिकली ये स्ट्रगल एक फिजिकल स्ट्रगल हुई टू गेट ही स्टक बूट ऑफ ही सोर फुट। और जब प्ले ओपन होता है, जैसे ही प्ले में सेटिंग बता दी गई है, सीन बता दिया गया है, विल्डमिर एंटर होता है तो एस्ट्रागोन कहता है गिविंग अप अगेन, नथिंग टू बी डन। इस बात का मतलब यह है कि वो कब से अपनी जूती उतारने की कोशिश कर रहा है, अपना बूट उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उतार नहीं पा रहा, और वो कहता है कि अब मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं हिम्मत हारता हूँ, मैं इसमें कामयाब नहीं होऊंगा। और जो ये नथिंग टू बी डन बोलता है ना, यही वर्ड जो है बार बार रिपीट करता है विल्डमिर भी। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये थीम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस ड्रामा का कि नथिंग टू बी डन। और जिस जगह ये लोग खड़े हैं ना दोनों, वो ऐसी जगह है जहाँ पे एक दरख्त है। ठीक है, उस दरख्त के ऊपर कोई पत्ता नहीं है। ठीक है, और जबकि लैंडस्केप है ना वो भी खूबसूरत पथरीला सा है, और जब एस्ट्रागोन वहाँ पे खड़ा अपनी जूती उतारने की कोशिश कर रहा है ना, वो कहता है नथिंग टू बी डन, वो फिजिकली कहता है ना, लेकिन यहाँ पे मेटाफिजिकली जो है ना वो विल्डमिर कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो कि नथिंग टू बी डन, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो इंतज़ार कर रहा है गोडो का कि गोडो ने आना है,
ठीक है, तो ही इज़ वेटिंग फॉर द गोडो, ना तो सिर्फ ये बल्कि वो जो एस्ट्रागोन है वो भी साथ खड़ा गोडो का ही इंतज़ार कर रहा है। तो ये दोनों कैरेक्टर जो है वो गोडो का इंतज़ार करें और इसी के इंतज़ार के ऊपर इस प्ले का नेम बेस करता है, वेटिंग फॉर गोडो। अब जब ये दोनों इकट्ठे हैं ना, तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद जो होता है ना वाल्डेमिर, वो ना एस्ट्रागोन की ना एस्ट्रागोन की तरफ देख रहा होता है और अपनी हैट का एग्जामिन कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन एस्ट्रागोन जो है ना वो अपने बूट के साथ ही लगा हुआ है कि वो ठीक नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद दोनों जो ना मिलकर इकट्ठे डिस्कस करते हैं स्टोरी को जो कि गोस्पेल्स के अंदर है दो थीव्स की, ठीक है। और वाल्डेमिर वंडर होता है, हैरान होता है कि हम जो है ना उनमें से एक वर्न जो स्टोरी का है वो ज़्यादा एक्यूरेट क्यों कंसिडर किया जाता है दूसरे वर्न के मुकाबले में, ठीक है। फिर एस्ट्रागोन जो है ना वो जगह को छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन क्या होता है वाल्डेमिर कहता है कि तुम छोड़ कर नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं गोडो का, और गोडो ने ना इसी दरख्त के बिल्कुल करीब आना है। और फिर वो ये भी सोचते हैं कि क्या वो सही स्पॉट पे हैं कि नहीं हैं। अब तक आपको समझ आ तो गई होगी इस प्ले की कि थोड़ा बहुत ये अब्जर्ड वे में लिखा गया हुआ है। अब्जर्ड वे यानी कि जिस बात का कोई मतलब ही ना हो, मतलब फजूल सी बात है, बेतुकी सी, मीनिंगलेसनेस हो जिस बातों के अंदर ना, ठीक है, तो इसको कहते हैं अब्जर्ड वे में। तो अब क्या होता है उस स्टोरी के अंदर, जो एस्ट्रागोन था ना उसको नींद आ जाती है, ठीक है, वो सो जाता है, लेकिन जो वाल्डेमिर था ना वाल्डेमिर वो उठा रहता है क्योंकि वो तनहा महसूस कर रहा होता है, लोनली फील कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो है ना एस्ट्रागोन की आंख खुलती है, वो बताता है वाल्डेमिर को कि मैंने एक ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें अपना ख्वाब सुनाना चाहता हूँ। लेकिन जो वाल्डेमिर है ना वो ख्वाब सुनना नहीं चाहता, ठीक है, ही डज नॉट वॉन्ट टू हेयर हीज प्राइवेट नाइटमेयर्स, ठीक है, ड्रोने ख्वाब। फिर दोनों जो होते हैं ना इकट्ठे डिस्कस करते हैं कि हम लोग को अब क्या करना चाहिए क्योंकि हम लोग तो है ना कब से घोड़ों का वेट कर रहे हैं। तो उस पर एस्ट्रागोन कहता है क्यों ना हम लोग खुद को दरख्त के साथ लटका दें। अब इसके बाद जो है ना दोनों खुद को रस्सी के साथ बांध लेते हैं दरख्त के ऊपर, ठीक है। तो तभी दोनों डिस्कशन करते हैं, वो डिस्कशन मैंने यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे शो की हुई है, कोटेशन जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तब इनकी डिस्कशन जब चल रही होती है तो उस दौरान एस्ट्रागोन कहता है कि तुमने मुझे ड्राई दिया था। तो वाल्डेमिर कहता है मुझे लगा वो आ गया है। एस्ट्रागोन कहता है कौन? वाल्डेमिर कहता है गोडो, मुझे लगा गोडो आ गया है। इसी डिस्कशन के दौरान इनको ज़ोरदार आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो आवाज़ें सुनने से पहले एस्ट्रागोन कहता है मैं बहुत ज़्यादा हंगरी फील कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। वाल्डेमिर जो है उसको गाजर देता है। फिर जो वो उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं बेसिकली वो गोडो के आने की नहीं होती, वो पोजो और लकी के आने की होती है। अब जब पोजो और लकी एंटर हो गए तो तब क्या होता है, तब पोजो ने ना लकी के गले में रस्सी डाली होती है, और वाल्डेमिर और एस्ट्रागोन जो होते हैं ना वो हैरान होते हैं कि शायद पोजो जो है वो गोडो है। तो वो पूछते हैं पोजो से कि क्या तुम गोडो हो? तो पोजो कहता है कि नहीं मैं गोडो तो नहीं हूँ, मैं तो पोजो हूँ। और वो उनसे पूछता है इफ़ दे हैव हर्ड ऑफ हिम, तो बताते हैं कि नहीं हमने तो नहीं सुना कभी भी। तो पोजो जो है लकी को कमांड करता है कि जो स्टूल है वो नीचे रख दो, वो स्टूल रख देता है। फिर ये पोजो स्टूल के ऊपर बैठ जाता है और चिकन खाना शुरू कर देता है, और जिस दौरान पोजो खा रहा होता है उस दौरान जो वाल्डेमिर और एस्ट्रागोन है वो इसके लकी के इर्द गिर्द घूमने लग पड़ते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करने लग पड़ते हैं। वो नोटिस करते हैं कि जो इसकी नेक है ना लकी की, उसके ऊपर ना सोर सा बना हुआ है। तो वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जो पोजो होता है उनको कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, हम लोगों को अकेला छोड़ दो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोजो पूछता है उनसे कि तुमने कभी गोडो को देखा है, गोडो है कौन? तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, मैंने कोटेशंस आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। फिर जो एस्ट्रागोन है वो पोजो से पूछता है क्या वो इसके चिकन की बोन्स ले सकता है, लेकिन पोजो कहता है कि नहीं ये सिर्फ और सिर्फ लकी की हैं। फिर एस्ट्रागोन पूछता है लकी से कि क्या तुम्हें बोन्स चाहिए? तो उस पर भी फिर दोबारा पोजो जवाब देता है, क्योंकि एस्ट्रागोन तो लकी तो रिप्लाई नहीं करता उसके ऊपर। तो पोजो कहता है एस्ट्रागोन से कि हाँ वो बोन्स उसको चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा रूड किस्म का ट्रीटमेंट दिखाया गया पोजो का अपने स्लेव के साथ। तो ये जो ट्रीटमेंट देख के ना वाल्डेमिर उसको गुस्सा भी आ जाता है, वो बड़े गुस्से से पोजो को बोलता है कि तुमने लकी के साथ कितना बुरा ट्रीटमेंट किया है, लेकिन बाद में एम्बेरस्ड होता है अपने आउटबर्स्ट होने के ऊपर। अब जो पोजो है वो सोचता है कि अब उसको चला जाना चाहिए यहाँ से, लेकिन वो रुक जाता है वहाँ पर दोबारा, और रुक के वहाँ पे पाइप स्मोकिंग शुरू कर देता है। अब वाल्डेमिर है वो वहाँ से जगह छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन पोजो उसको याद कराता है कि तुम यहाँ पे गोडो की वेटिंग में हो, ठीक है, तुम यहाँ पे गोडो का इंतज़ार कर रहे हो।
अब उसके बाद क्या होता है स्टोरी के अंदर कि जो एस्ट्रागोन है ना वो देखता है लकी की ना लकी ने बैग उठाए हुए हैं, वजन उठाया हुआ है। तो लकी पूछता है, सॉरी एस्ट्रागोन पूछता है पोजो से, क्या लकी जो है ये बैग नहीं नीचे रख सकता? तो पोजो कहता है रख सकता है, उसको ज़्यादा है, लेकिन वो खुद नहीं रख रहा क्योंकि वो मुझे इम्प्रेस करना चाहता है। पोजो के पास बहुत ज़्यादा स्लेव्स होते हैं। और जो व्लादिमीर होता है वो पोजो से पूछता है क्या तुम लकी से छुटकारा पाना चाहते हो? तो पोजो कहता है हाँ, मैं इसको ना बेच दूंगा। लकी रोना शुरू कर देता है। और जो पोजो होता है वो एस्ट्रागोन को एक हैंडकरचीफ देता है कि जो हमारा ये लकी है उसकी आंखें साफ़ कर दो, उसके आंसू साफ़ कर दो। लेकिन लकी जो है उसको किक करता है। पोजो बताता है व्लादिमीर और एस्ट्रागोन को कि जो लकी है इसके पास 60 ईयर्स से है तकरीबन। अब जब ये बात सुनता है व्लादिमीर तो उसको गुस्सा आ जाता है कि देखो तुम्हारे पास वो इतनी देर से और तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो। पोजो जो है अपसेट हो जाता है और व्लादिमीर जो है फिर वो गुस्सा करता है लकी के ऊपर, तुम अब पोजो को मिसट्रीट कर रहे हो। तो बेसिकली क्या है, सारी अब्जर्ड टॉक है, फजूल फजूल सी बातें करते जा रहे हैं। फिर जो पोजो है वो काम डाउन हो जाता है और वो रियलाइज़ करता है कि उसने अपना पाइप लॉस्ट कर लिया है और फिर दोबारा वो अपसेट हो जाता है। फिर जब इतनी ज़्यादा ही डिस्कशन इनकी हो जाती है, बहुत सारी डिस्कशन गुजरी है बैग पे ना अब्जर्ड किस्म की, तो उसके बाद जो है ना एस्ट्रागोन जो है वो लकी का डांस देखना चाहता है। तो जो पोजो है वो क्या करता है लकी को कि एंटरटेन करे बाय डांसिंग, सिंगिंग, रिसाइटिंग और थिंकिंग। अब लकी जो है वो डांस करता है, लेकिन इसके डांस से जो है एस्ट्रागोन इम्प्रेस नहीं होता। फिर पोजो कहता है कि ये इससे भी बेहतर डांस करता होता है। वल्डमर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये कुछ सोचे। पोजो कहता है ये अपनी हैट के बगैर सोच नहीं सकता। वल्डमर जो है ना वो लकी के सर पे अपनी हैट रख देता है और वो सोचना शुरू कर देता है। और तब वो ना एक स्पीच करता है जो कि मैंने आपके सामने लिखी हुई है। गिवन एक्नॉलेजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सनल गॉड हु एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ टाइम एंड हु लव्स अस डियरली एंड हु सफर्स विद दोज हु आर प्लंज इन टॉर्मेंट सॉरी टॉर्मेंट इट इज एस्टैब्लिश बियॉन्ड ऑल डाउट दैट मैन फॉर रीजन्स अननोन ओवर लेबर्स अबंडेंट लेफ्ट अनफिनिश्ड अबंडेंट अनफिनिश्ड। आपने देखा होगा इसकी राइटिंग के अंदर रेपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वर्ड्स की बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है ये। तो ये जो वर्ड्स को बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है ना, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ टेक्निक ऑफ अब्सर्डिज्म। ठीक हो गया। तो ये जो लकी की स्पीच है ना, ये क्या कर रही है, ये एक फ्यूटाइल इफेक्ट बता रही है कि एक स्टेटमेंट बना रही है मैन की और गॉड की। ठीक है, मैन और गॉड के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई इतना कहते नहीं हाईली जो एसेंस होता है वो हमारे सामने नहीं आया। सो बेसिकली वी कैन से दैट दिस स्पीच इज एक्नॉलेजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सनल गॉड वन हु एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ टाइम एंड हु लव्स अस डियरली एंड हु सफर्स विद दोज हु आर प्लंज्ड इनटू टॉर्मेंट इट इज एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड ऑल डाउट्स दैट मैन फॉर रीजंस अननोन हैज लेफ्ट हिज लेबर्स अबंडेंट अनफिनिश्ड। तो ये इसकी एंडिंग बड़ी सिग्निफिकेंट है कि इंसान जो है वो खुदा के बारे में बड़ी अजम्पशंस बनाता है, बड़े हाइपोथेसिस बनाता है, लेकिन एक लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता। अब जो स्पीच ख़त्म होती है तो पोजो लकी को लेता है, उठाता है उसको और मतलब छोड़ने लगता है। तो उस टाइम वो रुक जाता है और फैसला करता है कि वो एक रनिंग स्टार्ट लेगा। वो स्टार्ट कहाँ से करता है, फिर वो अपोजिट एंड ऑफ द स्टेज से स्टार्ट करता है और लकी को साथ लेता है। अब जब पोजो और लकी का डिपार्चर हो चुका है तो उसके बाद क्या होता है, जो व्लादिमीर है ना वो दोबारा बताता है एस्ट्रागोन को दैट दे कैन नॉट लीव बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर गॉडो। ठीक है, अब इनका आर्ग्यू होता है पोजो और लकी के अबाउट के दोनों बदल गए होंगे कि नहीं बदल गए होंगे, क्या पता वो बदल गए हों। फिर सडनली एस्ट्रागोन दोबारा कंप्लेन करता है कि उसके पाँव में जो है ना दर्द हो रहा है और अपना बूट उतारने की फिर से कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर स्टोरी के अंदर एक बॉय आता है एज अ मैसेंजर। वो आता है और आके कहता है कि उसके पास एक मैसेज है गोडो की तरफ से। वो जो बॉय है वो बताता है कि मिस्टर गोडो टोल्ड मी टू टेल यू ही वुड नॉट कम दिस इवनिंग बट श्योरली टुमोरो। फिर इस बात के बाद जो दोनों हैं इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं और जो एस्ट्रागोन है उसका फिर से पाँव में दर्द होती है और जो व्लादिमीर है वो उसकी बूट को उतारने की कोशिश करता है। और जब वो बॉय आता है, व्लादिमीर बॉय से पूछता है कि तुम वही नहीं थे जो तुम कल भी आए थे? तो बॉय कहता है ही इज़ नॉट। अब लड़का मुकर गया है।
खैर लड़का तो मुकर गया, लेकिन जब लड़के ने बताया कि मिस्टर गोडो जो हैं वो आज तो नहीं आएंगे, इस शाम तो नहीं आएंगे, लेकिन वो कल ज़रूर आएंगे, तो विल्डमर पूछता है लड़के से, बॉय से पूछता है कि क्या वो मिस्टर गोडो के लिए काम करता है। और फिर जो बॉय है वो उनको बताता है कि ही माइंड्स द गोट्स, लेकिन साथ ही बताता है कि जो मिस्टर गोडो है ना, उन्होंने इसकी बटाई नहीं की थी लेकिन इसका भाई की बटाई की थी, जो कि काम करता है शिप्स के साथ। विल्डमर पूछता है लड़के से कि अगर वो अनहैप्पी है या नहीं, तो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद नाइट का टाइम होता है और जो लड़का होता है वो स्टेज से चला जाता है। फिर एस्ट्रागोन जो है वो उठता है और अपने जो बूट्स हैं वो स्टेज के बिल्कुल एज पे रख देता है। विल्डमेर उसको बताता है कि ना, उसे अभी अभी मैसेंजर ने बताया है कि जो गोडो है वो कल आएगा दोबारा यहाँ पे, मतलब अभी दोबारा नहीं, कल आएगा वो इनसे मिलने के लिए। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट इवनिंग आती है, सेम टाइम पे सेम प्लेस पे, जो लीवलेस ट्री था, जिस ट्री के कोई पत्ते नहीं थे, उस ट्री के ऊपर अब 4 और 5 लीव्स आ चुके हुए हैं। और स्टेज के ऊपर से प्ले में बात की जाए तो एस्ट्रागोन के बूट्स और लकी की हैट अभी तक स्टेज के ऊपर ही है जब विल्डमेर एंटर होता है और इधर इधर उधर देखता है और फिर सिंगिंग करना शुरू कर देता है। फिर एस्ट्रागोन आता है और वो देखता है कि विल्डमेर तो बड़ा खुश है उसके बगैर ही, तो वो कहता है कि वो क्यों यहाँ पे आया है, क्यों मैं विल्डमेर के पास आई हूँ, जबकि विल्डमेर जो है इसके बगैर तो बहुत ज़्यादा खुश है अकेला ही। लेकिन विल्डमेर जो है वो इंसिस्ट करता है कि तुम यहाँ पे रुको, और बताता है साथ में कि ना तुम पता है चीज़ें जो हैं वो यस्टरडे से बहुत ज़्यादा बदल चुकी हुई हैं, काफ़ी तब्दील हो गई चीज़ें, पहले जैसी नहीं रही। और स्ट्रेंज थिंग क्या होती है, एस्ट्रागोन को याद ही नहीं होता कि कल क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है इनको शॉर्टन मेमोरी लॉस, ठीक है, मेमोरी लॉस, क्या चीज़ दिखाई गई कि उनको कल की बातें ही नहीं याद है, मेमोरी का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है इनके ऊपर कि जो कल हुआ वो भूल गए। फिर वल्डेमॉर्ट जो है ना इसको पोजो और लकी के बारे में याद दिलाता है कि तुम्हें याद है पोजो और लकी। फिर उसके बाद जो है दोनों आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं कि एस्ट्रागोन जो है कभी मैकोन कंट्री में गया कि नहीं गया। वल्डेमॉर्ट कहता है एस्ट्रागोन से कि तुम्हें याद है कि हम लोगों ने मैकोन कंट्री के अंदर अंगूर तोड़े थे, लेकिन एस्ट्रागोन को कुछ याद ही नहीं है। अब वो जब खामोश है इतने टाइम से, तो वल्डेमॉर्ट जो है बड़ा डिस्टर्ब होता है इसके साइलेंस से, वो कहता है अब तुम कुछ बोलो, लेकिन क्योंकि पर्पसलेस लाइफ है तो इन दोनों के पास जो है बात करने के लिए कुछ भी नहीं होता। व्लादिमिर जो है ना फिर इधर उधर दरख्त को देखता और नोटिस करता है कि जो दरख्त के जो है ना अभी वो कवर्ड हो चुका हुआ है लीव्स के साथ, और जबकि ये कल बेयर था, नंगा था, कोई पत्ते ही नहीं थे इसके ऊपर। फिर एस्ट्रागोन कहता है कि हो सकता है स्प्रिंग का सीज़न हो, लेकिन ये भी इंसिस्ट करता है कि वो तो यहाँ पे कल थे ही नहीं, तुम कैसे कह सकते हो ये दरख्त कल खाली था। एस्ट्रागोन वो एक कोई मतलब कि यकीन ही नहीं होता इस चीज़ का कि हम लोग इस जगह पे पहले कल थे, वो भूल चुका हुआ है। वेल्डम इसको याद कराता है बोन्स के बारे में जो कि पोजो ने इसको दी थी, इसने पोजो जब मांगी थी, पोजो ने इसको वो बोन्स दी थी ना, तो उसको वो याद करवाता है। और फिर उसको याद कराता है कि उसको लकी ने किक किया था, और जब लकी ने किक किया था तो तुम्हारी टांग पर ज़ख्म हो चुका था, उसने वो उसको उसको ज़ख्म भी दिखाता है। फिर वो ये भी पूछता है उसे कि तुम्हारे बूट्स कहाँ पे हैं अब, तो वो बताता है कि मैंने अपने बूट्स को फेंक दिया, और वो स्टेज की तरफ ना पॉइंट करता है, इशारा करता है वहाँ पे कि वो देखो मैंने वहाँ पे फेंक दिए अपने बूट्स को। फिर एस्ट्रागोन जो है वो एग्जामिन करता है बूट को, भाव में कहता है ये तो इसके बूट्स नहीं है। फिर व्लादिमिर कहता है हो सकता है कोई आया और उसने तुम्हारे बूट के साथ अपने बूट्स को एक्सचेंज कर लिया हो। और फिर जो है ना व्लादिमिर स्टोरी के अंदर एस्ट्रागोन को ना आज एक रेडिश देता है, मूली देता है, क्योंकि उसके पास आज जो है गाजर नहीं है। लेकिन एस्ट्रागन कहता है कि वो खुद जाके गाजर ले आएगा, लेकिन वो खुद मूव करता ही नहीं, वहीं का वहीं खड़ा रहता है। फिर व्लादिमिर जो है वो एस्ट्रागन को बूट्स पहनाने की कोशिश करता है और वो फिट भी हो जाता है, लेकिन एस्ट्रागन कहता है कि वो उनको नहीं पहनेगा क्योंकि इसके ऊपर लैस है, उसको लेस वाले बूट्स नहीं पसंद हैं। एस्ट्रागन जो है बैठ जाता है, फिर उसके बाद उसको नींद आती है और वो सो जाता है। व्लादिमिर जो है वो सिंगिंग करना शुरू कर देता है, ग्लोरी गाता है, ठीक है। और जब एस्ट्रागोन उठता है तो फिर वो एक नाइटमेयर देखता है, ख्वाब देखता है, और फिर से वो कहता है व्लादिमिर को कि मैं तुम्हें अपना ख्वाब सुनाना चाहता हूँ, तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारा ख्वाब नहीं सुनना। फिर व्लादिमिर को ना लकी की हैट मिलती है ग्राउंड के ऊपर, और वो देख कर ना बड़ा खुश होता है क्योंकि उसको अब कन्फर्म हो जाता है कि वो बिल्कुल करेक्ट प्लेस के ऊपर ही है, वो यहाँ पर ही घोड़ों का इंतज़ार कर रहे थे। फिर एस्ट्रागोन जो है ना वो छोड़ के चला जाता है, लेकिन साथ ही फ़ौरन से वापस आ जाता है क्योंकि उसको किसी के आने की आवाज़ आ रही होती है। तो व्लादिमिर को श्योर होता है कि अब जो आ रहा है ना वो गोडो आ रहा है, और जो एस्ट्रागोन होता है ना वो खुद को दरख्त के पीछे छुपा लेता है, और उसको रियलाइज़ होता है कि वो दरख्त के पीछे नहीं छुपा हुआ, तो वापस वो बाहर आ जाता है। और वो दोनों देखते हैं कि बेसिकली गोडो तो नहीं आया होता, लेकिन पोजो और लकी आए होते हैं।
और जो पोजो है ना वो अब ब्लाइंड हो चुका हुआ है और वो लकी के पीछे पीछे चल रहा है। जो लकी होता है ना वो व्लादिमिर और इस्ट्रागोन को देख कर ना रुक जाता है, और जो पोजो होता है ना वो चल रहा होता है, चलते चलते ना लकी से वहाँ पर टकरा जाता है और लकी और पोजो दोनों फिर नीचे गिर जाते हैं। पोजो नहीं उठ पाता, व्लादिमिर पोजो को ऊपर उठाने की कोशिश करता है लेकिन फिर खुद भी ये नीचे गिर जाता है। फिर एस्ट्रागोन आता है, वो भी व्लादिमिर को उठाने की कोशिश करता है और वो भी गिर जाता है नीचे साथ ही। और फिर कुछ टाइम के लिए व्लादिमिर, एस्ट्रागोन, पोजो और लकी चारों के चारों जो हैं वो नीचे गिरे होते हैं। और एस्ट्रागोन जो है ना फिर वो कहता है व्लादिमिर से कि क्यों ना हम लोग खुद उठने की कोशिश करें, हम तो उठ सकते हैं ना, हम उठने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जो व्लादिमिर और एस्ट्रागोन होते हैं इनको नींद आने लग पड़ती है और ये सो जाते हैं। और जो पोजो होता है वो ज़ोर से शाउटिंग करता है और इसकी शाउटिंग से जो है ना व्लादिमिर और जो है एस्ट्रागोन ये दोनों उठ जाते हैं। फिर जो है ना पोजो को खामोश कराने के लिए व्लादिमिर स्ट्राइक करता है पोजो को, पोजो क्रॉल करने लग पड़ता है और व्लादिमिर और एस्ट्रागोन जो होते हैं उसको बुलाते हैं, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। एस्ट्रागोन जो होता है ना वो इसको दूसरे नाम से पुकारता है, उसको कहता है एबल, ठीक है, रिलीजियस नेम ले लिया उसने क्रिश्चियन से ना। और पोजो जो है फिर रिस्पॉन्ड करता है और रोने लग पड़ता है कि उसको मदद चाहिए, उसकी हेल्प करें। और फिर उसके बाद ना वो पोजो को केन के नेम से पुकारते हैं, ठीक है, हाबील काबील है ना, काबील के नाम को केन लिखते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर ना। तो लेकिन जो पोजो है वो रिस्पॉन्ड फिर करता है नेम के ऊपर दोबारा से। अब एस्ट्रागोन है वो डिसाइड करता है कि ये सब कुछ जो है ना ह्यूमैनिटी बेस्ड है। व्लादिमिर और एस्ट्रागोन जो है ना वो इसको उठाने की कोशिश करते हैं और इसको वो आराम से उठा लेते हैं, इसकी मदद करते हैं पोजो की। और पोजो कहता है कि उसने व्लादिमिर और एस्ट्रागोन को पहचाना नहीं है क्योंकि अब वो ब्लाइंड हो चुका हुआ है। अब इसके बाद दोबारा इनकी अपनी वो डिस्कशन होती है अब्जर्ड किस्म की। पोजो पूछता है आदमियों से कि मेरा स्लेव कहाँ से कहाँ पे है, वो बताता है कि लकी जो है वो सो रहा है। एस्ट्रागोन जाके लकी को टांग मार के उठाता है, उसके खुद के पाँव पे चोट लग जाती है। फिर उसके बाद जो है ना वो बैठ जाता है साइड पे जाके। व्लादिमिर पोजो से पूछता है कि हम लोग कल मिले थे, लेकिन पोजो कहता है कि मुझे याद नहीं है। पोजो जो है जाने की तैयारी करता है। व्लादिमिर कहता है कि हम लोग लकी का गाना सुनना चाहते हैं, लेकिन अब क्या कहता है पोजो, पोजो कहता है लकी जो है वो एक डम्ब है, पहले क्या था एक सिंगर था एक डांसर था, अब क्या हो गया वो डम्ब हो गया हुआ है। फिर ये दोनों चले जाते हैं और व्लादिमिर जो है ना इनको फॉल ऑफ स्टेज देखता है। अब जब पोजो और लकी छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से, फिर व्लादिमिर उठाता है एस्ट्रागोन को। एस्ट्रागोन जो है वो बड़ा अपसेट होता है उसको, क्योंकि उसकी नींद ख़राब कर दी जाती है इसलिए। लेकिन व्लादिमिर इसको बताता है कि वो बहुत अकेला था इसलिए तुम्हें उठाया। एस्ट्रागोन उठ जाता है लेकिन वो बड़ा हर्ट फील करता है, वो दोबारा बैठ जाता है और अपने बूट्स को उतारने की कोशिश करता है। वो फिर से उंगना शुरू कर देता है एस्ट्रागोन और बड़ी अनसक्सेसफुल रहता है अपने स्ट्रगल करने में, अपने बूट्स को उतारने में कामयाब नहीं होता। फिर से एक बॉय एंटर होता है और बॉय जो है वो व्लादिमिर को बुलाता है, व्लादिमिर को। व्लादिमिर जो है उस बॉय को पहचान लेता है क्योंकि जो डेज की रूटीन चल रही थी पूरे डे थ्रू आउट द डे जो रूटीन चल रही थी उस रूटीन से वो पहचान गया था कि अब ये लड़का कहाँ से आया है, किसका पैगाम लेके आया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो लड़का आया है ना ये लड़का वही जो कल आया था वो है, तो ये बात क्लियर नहीं, क्योंकि लेह के अंदर क्लियर नहीं किया हुआ कि वो लड़का कौन था, अनदर मैसेंजर था या फिर वही मैसेंजर था। लेकिन ये जो लड़का आया होता है ना ये सेम मैसेज लेके आया होता है जिस मैसेज के अंदर लिखा होता है कि घोड़ो जो है वो आज नहीं आएगा लेकिन कल शाम को आएगा। फिर व्लादिमिर जो है ना वो उससे पूछता है लड़के से कि घोड़ो जो है वो मुझे जानता है। तब जो लड़का है वो कहता है ही डज नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं जानता। व्लादिमिर जो है ना फिर बॉय से पूछता है उसके भाई के बारे में, तो बताता है इसका भाई जो है वो सिक है, बीमार है। फिर इसके बाद जो है वो बॉय चला जाता है वहाँ से। सूरज जो है वो गरूब हो चुका है, ठीक है, सनसेट्स। एस्ट्रागोन जो है वो उठ जाता है, अपनी बूट उतारता है, ठीक है, और बिल्कुल स्टेज के फ्रंट पे रख देता है। व्लादिमिर के पास जाता है, उसको कहता है कि अब वो वापस जाना चाहता है। व्लादिमिर उसको कहता है कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हें नहीं पता कि हम लोगों ने घोड़ों का इंतज़ार करना है। फिर वो डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को ना खुद को दरख्त के साथ हैंग कर लेना चाहिए, लटका लेना चाहिए, और अब उनको जो है ना रस्सी नहीं मिलती। फिर वो कहता है कि हम लोग ऐसे करेंगे कल रस्सी ले आएंगे यहाँ पर, एस्ट्रागोन कहता है। एस्ट्रागोन व्लादिमिर को ये भी कहता है कि जो हम लोग ना इस तरह चल नहीं सकते। व्लादिमिर कहता है कोई बात नहीं, हम लोग खुद को कल हैंग कर लेंगे दोबारा जो आएगा।
जब तक गोडो नहीं आता हम लोग ऐसे ही उनका इंतज़ार करते रहेंगे, फिर ये सोचते कि हम लोगों को अब चला जाना चाहिए, लेकिन फिर से दे डू नॉट मूव एज द कर्टन फॉल्स, पर्दे गिर जाते हैं लेकिन दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द गोडो। तो स्टोरी हुई कंप्लीट। थीम्स की बात कर ले तो जो मेन थीम्स है इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन कंडीशन की बात की गई है, अब्सर्डिज्म की बात की गई है, नाइलिज्म। नाइलिज्म ऐसी फिलोसफी होती है जो कि अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देती है। फ्रेंडशिप की बात की गई है इसके अंदर। इल्यूजंस दिखाए गए हैं, होपलेसनेस दिखाई गई है, मीनिंगलेसनेस दिखाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म है, जैसा कि आपको पता है ना तो एग्जिस्टेंस मैटर करती है ना ही ज़िंदगी गुजारने के तरीके मैटर करते हैं, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म होता है। अब्सर्ड प्ले है, अब्सर्ड प्ले मैंने आपको बताया वो प्ले जिसके अंदर सारा कुछ ही अब्सर्ड हो, ठीक है, बेजार हो, बोरिंग हो, ठीक है, आइडल हो, मीनिंगलेसनेस हो, होपलेसनेस हो, एमलेसनेस हो, पर्पसलेसनेस हो, ठीक है। एज अ मिरर ऑफ अवर टाइम्स, सेम सिचुएशन हमारे भी यहाँ पे इस टाइम पे प्रेजेंट है, मॉडर्न सोसाइटी ऐसी ही है, पर्पसलेस लाइफ। कैरेक्टर्स जो है इसके अंदर एस्ट्रागोन का, वलेडिमिर का, और साथ ही साथ जो है इसके अंदर पोजो का और लकी का करैक्टर, ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। थीम्स इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपने करने हैं लाजमी। ट्रेजाई कॉमेडी के तौर पे सवाल इंपॉर्टेंट है, हु इज़ गोडो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स हैव अ क्विज। व्हेन पोजो फर्स्ट एंटर्स व्हाट डज ही रिवील ही इज ऑन हिज वे टू डू, क्या इसका आंसर है आप बताएं। मीट गोडो, किल समवन, मीट अ लवर, सेल हिज स्लेव, बताएं इसका आंसर क्या है आपने। ये टोटल 5 MCQs होंगे, कमेंट्स में बताना कि आपने कितने मार्क्स गेन किए। वीडियो को स्टॉप करें देन आंसर मैच करें। इसका आंसर है डी, सेल ही स्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बिफोर पोजो लीव्स द फर्स्ट टाइम व्हाट डज लकी डू टू एंटरटेन एवरीवन, क्या किया था उसने। जी, डांसेस एंड थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। हु इन्फॉर्म्स पोजो एंड लकी दैट गोडो वुड नॉट बी कमिंग ऑन द फर्स्ट डे, किसने इन्फॉर्म किया था। अ बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। व्हाट हैज हैपेंड टू पोजो व्हेन ही एंड लकी रिटर्न ऑन द सेकेंड नाइट, क्या हुआ था। जी बिल्कुल, वो अंधा हो गया था, ही इज ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू एस्ट्रागोन एंड वलेडिमिर डू आफ्टर डिसाइडिंग टू लीव एट द एंड ऑफ द प्ले, क्या किया उन्होंने। दे लीव, किल ईच अदर, वीप, नथिंग, पता है आपको, नथिंग, कुछ भी नहीं किया था, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स टू। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।